पुराने टाइम में लौंग, जिसको क्लोव बोला जाता है, डेली क्यों खाया जाता था? एक लौंग डेली खाने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? लौंग में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो मुंह की हेल्थ, दांतों की हेल्थ के लिए अमृत है? लौंग में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो आपके गट के लिए, फ्लोरा के लिए अमृत है? हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। आज हम लौंग यानी कि क्लोव के बारे में बात करेंगे और उसके हेल्थ बेनिफिट्स जानेंगे और जानेंगे क्या रिमार्केबल चीजें हैं इसमें जो आपकी सेहत के लिए अमृत जैसा काम करती हैं। और ये फ्री का इलाज है क्योंकि घर में बैठे कर सकते हैं। तो डाइव करते हैं। तो पहली चीज, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, लौंग, जिसको हम क्लोव बोलते हैं। एक क्लोव अगर आप मुंह में रखें और उसको चूसते रहें और फिर उसमें एंड में उसको चबा चबा के खा जाए, उसके लाखों बेनिफिट हैं। पहली चीज, क्लोव में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि पेन को, जैसे जाड़ में या दांत में दर्द है, उसको नंब करके, उसमें दर्द सेंसिटिविटी बंद करके पेन को कम करती है। एंड ये टूथेक्स के लिए और बॉडी में पेन्स के लिए अमृत है। नेक्स्ट चीज, इसमें एक असेंशियल ऑयल है जिसको बोलते हैं EUGENOL, यूजिनॉल। वो ऑयल 70-75% क्लोव में वही ऑयल है। और वो ऑयल क्या है, बहुत ही शानदार चीज है। उसकी प्रॉपर्टीज हैं एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक, जिनके कीड़े पड़ जाते हैं ना कीड़े पेट में, एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होती है, और एंटी कैंडिडा। जी हाँ, ये ऑयल मेन ऑयल है और इसके ये फायदे हैं। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, गला खराब, वायरस, पेट में कीड़े, सब चीज़ों में मदद करता है। कैंडिडा जो फंगस से इन्फेक्शन होती है, उससे भी बचा सकता है आपको। और क्लोव को च्यू करने से जो मुंह में बैक्टीरिया है, जो बुरा बैक्टीरिया है, वो मर जाता है, क्योंकि क्लोव बहुत एंटीबैक्टीरियल है। और जिनके मुंह में कैंडिडा है, जैसे मुंह में वाइट सी, पीछे जीभ के पीछे वाइट सी थिन लेयर रहती है, वो कैंडिडा ईस्ट लेयर होती है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है और वो हाजमे को भी ठीक करता है। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर माउथ, स्पेशली डेंटल हेल्थ। ये दांतों में जो प्लाक, जो वाइट जम जाता है दांतों के पीछे, एंटी प्लाक है। तो दैट मीन्स ये मसूड़ों को रसीड नहीं होने देता, दांत मजबूत रहते हैं, मसूड़े दांत को पकड़ते हैं। तो क्लोव चबाने से दांतों में प्लाक नहीं होता। नेक्स्ट चीज, जो क्लोव ऑयल है, अगर आप उसको किसी और ऑयल से, जैसे सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में मिक्स कर सकते हैं, उसको आप स्कैल्प पे लगाइए, तो जो स्किन पे जो प्रॉब्लम्स है, जो पैथोजन स्किन पे आ जाते हैं, उनको मारने में मदद करता है। तो स्कैल्प के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चीज, अगर आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, अब एंटीबायोटिक्स का गोल होता है बैक्टीरिया को मारना, और बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एंटीबायोटिक शुरू कर दिए तो सारे बैक्टीरिया मारने बहुत ज़रूरी है, अगर शुरू कर दिया। और अगर आपने वो शुरू कर दिया और सारे बैक्टीरिया ना मरे, तो कुछ सुपर बग्स बन जाते हैं जो कभी भी किसी और चीज़ से या एंटीबायोटिक से नहीं मरते। तो बहुत ज़रूरी है, अगर एंटीबायोटिक्स खाने पड़ गए, पहले तो कोशिश है वहाँ तक पहुँचने ना पड़े, मगर अगर दिक्कत आ गई, एंटीबायोटिक्स खाने पड़ रहे हैं, तो उसके साथ डेली एक क्लोव ज़रूर लें। तो क्लोव मेक श्योर करता है कि सारा बैक्टीरिया बुरा, जो चाहिए मरना, वो मर जाए। वैसे अगर आप डेली क्लोव ले रहे हैं, 1 से 3 डिपेंडिंग अपॉन आपकी सेहत, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि एंटीबायोटिक लेने पड़े, मगर खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ गई, तो उसके साथ एंटीबायोटिक के साथ ज़रूरी है कि आप क्लोव लें। नेक्स्ट चीज़, जिन लोगों को एच पायलोरी इन्फेक्शन है, उनके लिए क्लोव अमृत है। जिनके पेप्टिक अल्सर है पेट में और डाइजेस्टिव ट्रैक में, या पेट के आगे अल्सर है, उनके लिए क्लोव अमृत है। उनको बहुत हेल्प करता है, एच पायलोरी में मदद करता है और पेप्टिक अल्सर में मदद करता है। क्लोव एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन से होने वाली प्रॉब्लम्स, सोजस, दर्द, रैशेज, उनमें मदद करता है। ये मूड इम्प्रूव करता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को थोड़ा सा डिप्रेस लगता है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये कैंसर को, स्पेशली लंग कैंसर में मदद करता है, उसको डाउन रखने में या ना होने देने में। नेक्स्ट, जिन लोगों को, अगर कोई प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेट, दूध पिला रही है माँ, उनको क्लोव का सेवन नहीं करना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए, मगर एक आम आदमी को डेली एक क्लोव कम से कम खाना ही खाना चाहिए। अगर अच्छी सेहत है तो 1, अगर अच्छी सेहत नहीं है तो 3। क्लोव को जैसे खाने का तरीका वही है, मुंह में साइड में रख के इसको सक करते रहे, जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए काफ़ी देर के बाद, इसको च्यू करके धीरे धीरे खा जाए। माउथ प्रॉब्लम्स, कैंडिडा, डाइजेशन, एच पायलोरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, भरपूर, एक आयुर्वेदिक पावर हाउस है। और यूज़ कीजिए
और हेल्दी रहिए। और प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, किसी और की मदद होती है। थैंक यू, बाय।